मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरझेड़ी अंडरपास के पास से 9 अंतर्राज्यीय छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने रुड़की रोड स्थित एक पुराने खंडहर से 14 रॉयल एनफील्ड बुलेट, 4 लग्जरी कारें, 3 अवैध तमंचा कारतूस और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को सिविल लाइन थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर बझेड़ी अंडरपास के पास से 9 शातिर चोर अमित बंसल, सुमित बंसल, मारूफ खान, रेशु, दिलशाद, जावेद, तांजिम, मुसर्रफ और मुनीर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस गैंग का एक सदस्य आदिल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो इस गैंग का मेन सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग ज्यादातर NCR में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि वो गाड़ी चोरी करने के लिए साइड का छोटा शीशा तोड़कर कार के अंदर प्रवेश करते थे, जिसके बाद ये लोग अलार्म की तार काटकर जहां कार चोरी की घटना को अंजाम देते तो वहीं बाइक चोरी करने से पहले ये लोग सड़कों और कॉलोनियों में घूमकर रेकी किया करते, जिसके बाद ये शातिर चोर रात या दिन में मौका पाते ही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी के वाहनों के फर्जी कागजात तैयार कर लेते और गिरोह मार्केट में बेचने का काम करते। इन वाहनों को बेचकर जो पैसा मिलता वो ये आपस में बांट लिया करते। बहरहाल गिरफ्तार में आए इन शातिर चोरों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। इस बारे में SSP संजीव सुमन ने बताया कि SOG की फर्स्ट टीम और सिविल लाइन थाने की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह अंतर्राज्यीय गिरोह हाईटेक चोरियां करता है और स्पेशली वाहनों में डील करता है और वाहनों में भी नए वाहन चुराता है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सिविल लाइन्स के थाने की टीम है, इन दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन करके एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह हाईटेक चोरियां करता है, स्पेशली वाहनों में डील करता है, वाहनों में भी नए वाहन चुराता है। नए वाहनों में भी इनके पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल्स हैं, जैसे बाइक्स में ये सिर्फ बुलेट चोरी करते हैं। हम लोगों के पास 14 बुलेट बाइक्स, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू बुलेट बाइक्स रिकवर की है हम लोगों ने। 4 कार इसके अतिरिक्त बरामद हुई है चोरियों को, तो इसमें से 2 गाड़ियाँ, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल जामिया दिल्ली की जामिया क्षेत्र से कनेक्ट भी हो चुकी हैं। उनके रिलेटिव FIRs लिखे हुए हैं। इन सभी केसेस में मोस्टली FIRs पंजीकृत होने चाहिए। वी आर नॉट वेरी श्योर, क्योंकि जो गाड़ियों के चेसिस नंबर्स हैं वो इन लोगों ने डिसरप्ट किया है। उसको हमने FSL से वापस हम उसके प्रॉपर चेक करके उसके नंबर्स हम निकाल पाएंगे। नंबर्स निकालने के बाद उनसे FIR सबके संबंधित डॉक्यूमेंट्स को मैच किया जाएगा। सर, किस तरीके से चोरी का तरीका और किस तरह कंबा करते हैं? इसमें बेसिकली जो इन्होंने अपने गैंग को 3 अलग अलग भागों में बांट लिया है और तीनों अलग अलग भाग आपस में बहुत ही मिनिमम कम्युनिकेशन रखते हैं। सबसे पहला भाग वो है जो चोरियाँ करता है, फिजिकली वो पूरा एक पार्ट है, चोरी करके वो कागज़ बनवाते हैं, इसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं इसके। दूसरा भाग वो है जो इसके पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और तीसरा भाग वो है जो एक्चुअली जाके पोटेंशियल बायर्स के पास इनको बेच के आते हैं। जो पहला स्टेज है, उस स्टेज के फिक्स अमाउंट वो लेता है हर गाड़ियों को चोरी करने के बाद। उस फिक्स अमाउंट के बाद जो सेकेंड और थर्ड स्टेज है, ये मिलकर मैनेज करते हैं। जितने में भी ये गाड़ी बिक जाए, जो भी प्रॉफिट होता है उसको ये लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। सर, कितने की कीमत होगी सर सभी बाइकें? बुलेट जो है लगभग हर बुलेट 2 लाख के आसपास की है इंडिविजुअली। 3 लाख के आसपास की इंडिविजुअल बुलेट्स हैं, और जो कार है विटारा ब्रेजा कार है, मारुति इको है, मारुति सियाज है और एक मारुति डिजायर है। कितने बदमाश पकड़े गए हैं और कितने भी? टोटल हम लोगों ने अभी 7 मुलजिमों के साथ हिरासत में ली, 9 हिरासत मुलजिमों की हिरासत में लिया है, और इसमें एक जो प्रमुख व्यक्ति जिसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो प्रमुख चोरियाँ करते हैं, वो आदिल उर्फ वो अभी हमारे गिरफ्त से बाहर है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम जल्दी उसकी टीम। सर, दो भाई गिरफ्तार हुए जो हर बार अलग अपराध में शामिल पाए। अमित और सुमित नाम है इनका, ये हमारे ही मुजफ्फरनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मंडी क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, इन पर पहले शराब के मुकदमे थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी स्विच किया, इन पर गैंगस्टर भी लगा, उसके बाद अभी चोरियाँ कर रहे हैं। ये दोनों भाई फिर रंगे हाथ पकड़े गए हैं, सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इस बार भी मुकदमा लेकिन को जेल भेज रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। सर, चोरी का मुख्य पॉइंट क्या रहता था? चोरी का मुख्य पॉइंट कहाँ से चोरी करते थे? सारी गाड़ियाँ NCR क्षेत्र की,
सर जो बताया जा रहा है कि ये फर्जी कागजात लगते हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई है? देखिए जो जो वो गैंग है जो हमारी तरफ से बाहर है जो गाड़ियाँ चोरी करके इनके कागजात बना रहा है उन पर गंभीर धारा मुकदमा लिखा जाएगा। इन सब में जो हमने अभी मुकदमा लिखा है उसमें फ्रॉड फॉर्जरी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। 10 साल से ऊपर की सज़ा है। चोरियाँ तो हैं ही, चोरी उस अपराध में मैं कहूँगा कि रिलेटिवली छोटा अपराध हुआ क्योंकि फॉर्जरी और फ्रॉड्स के ज़्यादा गंभीर मुकदमे इनको झेलने पड़ेंगे। जी ठीक है।